दोस्तों, आज हमारा प्ले का नाम है ए बिट ऑफ लव, जो कि जॉन गोल्सवर्दी ने 1915 में लिखा था। एब्सोल्यूट फॉरगिवनेस इज़ द मेन थीम। माइकल स्ट्रॉन्ग वे सेंटली क्लेर्जी इज़ एन आइडियलिस्ट, यानी इसमें एक कैरेक्टर है माइकल स्ट्रॉन्ग वे। नेक्स्ट है हमारा एक कैरेक्टर है बियट्रिस, जो कि वाइफ है किसकी, माइकल स्ट्रॉन्गवे की। ही इम्प्रेजेंट लार्क फ्रॉम द केज, यानी वो पिंजरे से एक लार्क पक्षी को जो है वो आज़ाद करता है। जैक क्रीमर वाइफ्स डाइज, इसमें कैरेक्टर है जैक क्रीमर, उनकी जो वाइफ है वो मर जाती है, एक्सपायर हो जाती है। टीबी जारलैंड एंड जैक क्रीमर, टीबी जारलैंड और जैक क्रीमर जो है वो कैरेक्टर है इस प्ले के ए बिट ऑफ लव। इसके अलावा इसमें और कैरेक्टर है मिस्टर ब्रैडमियर, जिम बेयर, जैक क्रीमर, मिसेस बर बलाम्बे, ट्रस्टफोर्ड जारलैंड, सिलेस्ट फ्रीमैन, गोल्डलाई, टीबी जारलैंड, मैरी मर्सी मर्सी या मैरी जारलैंड, बॉबी जारलैंड, सॉई पॉटर और इवी बाल बालोम्बे। तो ये थी समरी ए बिट ऑफ लव की। नेक्स्ट हमारा है विंडो। विंडो जो है प्ले वो आता है 1922 में। पीप्स इनटू द लाइफ ऑफ फेथ, कि वो फेथ नाम के कैरेक्टर की लाइफ में जो है झांकता है। सी बिकम्स द मदर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, जो कि एक इलेजिटिमेट चाइल्ड की मदर बन जाती है। सी वाज 18 ईयर्स ओल्ड, जब वो 18 साल की होती है। सी गोज टू जेल हर फॉर इन्फेंटिसाइड, उस बच्चे को मार देती है तो इसलिए उसके लिए उसे जेल जाना पड़ता है। सी फ्लर्ट विद जोनी, वो जोनी नाम के कैरेक्टर को फ्लर्ट करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों। और टीजीटी पीजीटी के अन्य राइटर्स की समरी के लिए और उनके जो उनका जो टेक्स्ट है जो उन्होंने लिखा है उसके लिए मुझे सब्सक्राइब करें प्लीज़, और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि मेरी वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे।